गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आया हूँ धनबाद। धनबाद इसलिए आया हूँ कि मेरा कज़न ब्रदर है फुफेरा भाई, उसी की मंगनी है। मंगनी में आज आया हूँ इधर, और आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा जितना हो सके, मंगनी का खाने का सारा कुछ। बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, हम लोग गेट के बाहर आ चुके हैं और स्कॉर्पियो लग चुकी है, 1 2 3 सब कोई वेट कर रहे और मेहमान आने का। जैसे उन लोग आएगा फिर हम लोग सब कोई एक साथ निकलेंगे। मैं अपना कार लेके जा रहा हूँ अल्टो। कुछ मेहमान अभी नहीं आए हैं, जबकि टाइम दिया गया था 10:30, फिर भी लेट है, उन लोगों का ही वेट कर रहा हूँ। तो गाइस, जो ब्लैक शर्ट में देख रहे हैं वही होने वाला दूल्हा है, उन्हीं के मंगनी में जा रहा हूँ। दोस्तों, पहुँच चुका हूँ, अभी कार में ही हूँ, उसके बाद अभी अंदर जाऊँगा। अभी वेट कर रहा हूँ कार पार्किंग का। तो दोस्तों, आके अभी बैठा हुआ हूँ मैं, यार मेरा भाई फुफरा भाई है बगल में, ठंडा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये बगल में जीजा है और मेरा भाई है, सब बैठे हैं एक साथ और सब कोई ठंडा पी रहा है। नाश्ता भी आ चुका है और ये मेरा पैकेट, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा, यम्मी लगा, और इधर अपने भाई के साथ बैठा हुआ हूँ। और ये दोनों मेरा भांजा है, इन लोग को बोले आइए साथ में बैठ के खाते हैं, लेकिन इन लोग बोले नहीं मामा, हाँ भाई इधर ही ठीक है। हम बोले अच्छा ठीक है। तो वो लोग उन लोग बैठ के उधर ही खा रहे हैं, हम लोग मैं मेरा भाई जीजा इधर बैठ के खा रहा हूँ। और सच बताओ तो मैं आगे जाना चाहता था, क्योंकि पीछे थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, फ़ैन था लेकिन गर्मी लग रही थी, आगे जाना चाहता था, लेकिन लोग पहले आओ पहले पाओ जैसा हो गया, लोग पहले ही जाके बैठ गए आगे, मैं इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ और थोड़ा पीछे में गर्मी लग रहा है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही नाश्ता किया सब कोई आगे बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सब कोई बैठे हुए हैं, कोई दोस्त है कोई कज़न ब्रदर है, सब कोई बैठे हुए हैं और वहीं पे अच्छा लग रहा। तो जैसे ही हम लोग मस्ती कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसके बाद बुलाया गया कि आइए अब, तो होने वाले दुल्हन को बुला रहे हैं। तो हम लोग जितने भी लोग थे बात उत कर रहे थे, तो फाइनली फिर पंडाल आए। हम लोग का नियम है मंगनी के दिन होने वाले दुल्हन से कुछ सवाल जवाब करते हैं कुछ बुजुर्ग लोग, तो वही आके बैठा हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ। होने वाली दुल्हन आने वाली है और फाइनली वो आ चुकी है। वो आई साथ में पीछे पीछे पूरा मंडली लेके आई, मंडली लेके आई है पूरा, देख रहे हैं इतना भीड़ इतना भीड़। उसके बाद सॉरी, इतना ज़्यादा भीड़ हो गई कि दुल्हन का मैं वीडियो ही नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, पूरा मंडली है, गैदरिंग है। उसके बाद फिर देखने के बाद हम लोग का नियम है पान लेने का, फिर पान लिए, खाई के पान बना रस वाला, और उसके बाद मैं पॉकेट में डाल लिया हूँ, खाना उना खाऊँगा उसके बाद मैं पान खाऊँगा। हालांकि मैं पान वगैरह खाता नहीं हूँ, लेकिन शादी पार्टी में थोड़ा सा मीठा पान खा लेता हूँ। और बैठा हूँ अभी खाने के लिए, और ये मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मैं इसके बगल में बैठा हूँ, और खाना आने वाली है और आ चुकी है। पूड़ी है आपका, ये तड़का है, चिकन चिल्ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना भी स्टार्ट करने वाला हूँ, खा रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने लगे, तो टहलने के बाद जो बस्ती है बस्ती के नीचे ही देखा कि पानी का फैक्ट्री लगा हुआ है, इतना सारे जार इतना सारे टंकी लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 पांच टंकी लगा हुआ है, जार भी बहुत सारे हैं। इसी से पता चल रहा है कि लोग पानी कितना जार वाला पानी पीते हैं। और अभी मैं वीडियो करते करते बाहर आया हूँ, बाहर का नज़ारा ले रहा हूँ, दो गाड़ी भी है, तो बगल में है पानी टंकी भी। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खेत खलियान है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद फिर देखने के बाद फिर जाने लगा, फिर पान खाया हूँ, खाई के पान बना रस वाला, काफ़ी टेस्टी है, लेकिन थोड़ा सा मेरा दिक्कत हो गया कि कत्था ज़्यादा दे दिया ना चूना, अब पूरा पूरा मेरा मुंह लहरने लगा है, पता नहीं है, बहुत दिन बाद पान खाया हूँ तो लहरने लगा।
गाइस फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अंगूर का लत। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा था कल कश्मीर में होता है, लेकिन अपना झारखंड में पहली बार देखा है अंगूर का लत। इतना प्यारा है, अभी तो कच्चा है, पकेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं अंगूर का लत। वहाँ से घूमने के आने के बाद यहाँ देख रही कि सब कोई बैठे हुए हैं, डिसाइड हो रही है कि वहाँ से फिर कब आप लोग कब आएंगे, वही बात हो रही है। बाकी अपना सब भाई लोग मेरे भांजे लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय की मस्ती ले रहे हैं। अब उसके बाद निकलूँगा घर। तो गाइस अभी जस्ट गाड़ी रख के बेटा बेटी को लाया घुमाने के लिए। बैठो पापा के पास। दोस्तों अभी जस्ट घर पहुंचा हूं, कार पार्किंग किया, उसके बाद फिर अभी आया। रास्ते का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे अंकल थे, पापा बैठे थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और फिर वहां पे नाश्ता किया, ठंडा पिया, उसके बाद फिर खाना खाया और जीजा लोग से मुलाकात भी हुई, चचेरा भाई लोग से मुलाकात हुआ, कज़न ब्रदर लोग से मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, पता ही नहीं चला दिन से कब रात हो गई। उसके बाद आपको पानी फैक्ट्री दिखाया, छोटा मोटा जो खेत खलियान थी वो सब दिखाया, और काफ़ी अच्छा रहा मंगनी। और तो दोस्तों देख रहे हैं मेरा वीडियो में व्यूज़ वगैरह अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है आप लोग मेरा वीडियो देख के गुस्सा आते होंगे, लेकिन क्या करें, मैं अकेला हूँ, खुद ही वीडियो बनाता हूँ, खुद ही एडिटिंग करता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ। गाइस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ और कैमरामैन रखूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं, गुड नाइट।